नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ नाइन एक्स में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार नए नए लोगों से आपको मिलवाते आ रहे हैं। आज भी हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक जी हैं, जो पूर्णिया के चर्चित डॉक्टर एनएन मंडल जी के पोते हैं और ये तीसरे जनरेशन के डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब के विषय में बता दूँ कि वे फिजिशियन हैं और IGMS में भी कार्य कर चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपने हमें अपने व्यस्ततम शेड्यूल में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप अपने विषय में ज़रा बताइए। मैं डॉक्टर अभिषेक हूँ। मैं पिछले एक साल से पूर्णिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने IGMS में 3.5 वर्ष सेवा दी है, जिसके दौरान मैंने कोविड काल में भी वहाँ 2 साल काम किया है। उसके बाद ज़रूरत महसूस हुई कि मैं अपने होम टाउन जाऊँ और वहाँ लोगों की सेवा करूँ। दर्शकों, आपने थंबनेल में देखा होगा कि डायबिटीज़ क्या होता है। डायबिटीज़ को हिंदी में मधुमेह रोग कहते हैं। तो यह क्या होता है और इससे कैसे बचें, डॉक्टर साहब हमें बताएं। डायबिटीज़ प्रायतः शुगर की एक्सेस हो जाती है खून में, डायबिटीज़ समझा जाता है। हालांकि उसको डायग्नोज करने के अलग क्राइटेरिया हैं, जो कि खाली पेट में कितना होना चाहिए, खाने के बाद कितना होना चाहिए, उस बेसिस पर हम देखते हैं किसी पेशेंट को शुगर है या नहीं है। हम इंडियंस में ये प्रायतः ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि हमारा शरीर इंसुलिन रहने के बावजूद उसके लिए कम संवेदनशील हो जाता है, जिसके कारण एक एज होने के बाद हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ती जाती है और इंसुलिन अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाता है, जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं। अच्छा, जब डायबिटीज़ हो जाता है, कई लोगों को देखते हैं कि वो दवाइयाँ खा रहे होते हैं, कई लोग इंजेक्शन लेते हैं, दवाइयाँ खाने वाले और इंजेक्शन लेने वाले में क्या अंतर होता है? डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, एक टाइप 1 बोलते हैं और दूसरे को टाइप 2 बोलते हैं। टाइप 1 बोलते हैं जो यंग लोगों में देखा जाता है, टाइप 2 जो 40 या 35 से ऊपर वालों के में देखा जाता है। टाइप 1 होता है जिसमें शुगर बढ़ती है लेकिन हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है, जिसके कारण शुगर लगातार बढ़ते जाता है। तो वैसे लोगों को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है, उनमें गोलियों का असर नहीं होता है। टाइप 2 होते हैं वो लोग जिनमें इंसुलिन अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाती है, जिसके कारण उनमें शुगर बढ़ जाता है। उसके बहुत अलग अलग कारण हैं। तो उन लोगों में हम शुरुआती दौर में दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और जब दवाइयों से हमें परिणाम नहीं मिल पाते हैं तब हम इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, डायबिटीज़ होने के लक्षण क्या है सर? डायबिटीज़ होने के प्रायतः लक्षण हैं कि मरीज़ को थकान लगेगा बहुत, मरीज़ को प्यास लगेगी बहुत, मरीज़ को पेशाब होगा, हाथ पाँव में झंझनाहट होगी, तलवे में जलन, हाथ में जलन, ये सब होने के उसके प्रायः लक्षण हैं। और कब, किस एज में ये पता चल जाए कि इसको डायबिटीज़ है? डायबिटीज़ होने, अभी आज के दौर में डायबिटीज़ होने का कोई निश्चित एज नहीं है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यंग लोगों में भी डायबिटीज़ होती जा रही है। एक स्टडी के अनुसार पिछले 25 सालों में 16% ज़्यादा बढ़ गया है डायबिटीज़ का केस। इसीलिए वो लोग जिनके फैमिली हिस्ट्री यानी माता पिता या दादा दादी नाना नानी किन्हीं को भी डायबिटीज़ था, तो उनको एक निश्चित एज के बाद हमेशा स्क्रीनिंग, जो बोलता है रेगुलर चेकअप, कराते रहना चाहिए कि डायबिटीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, जो नए नए शुगर पेशेंट हुए हैं, जो नए नए हैं, उनके लिए खास बात बताइए कि वे लोग कौन से एहतियात बरते? जो नए शुगर पेशेंट्स हुए हैं उनके लिए एहतियात है कि वो पहले अपने लाइफस्टाइल को सुधारें। अभी जैसा देखा जाता है कि हम ज़्यादा वेस्टर्न लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, जिसमें कि बैठे रहना है, कोई काम नहीं करना, जंक फूड फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन करना, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेना, तो वो सब को सुधारना पड़ेगा। उससे है कि हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके वो डायबिटीज़ कब हो उसको और डिले कर सकते हैं। हमारे दर्शकों को क्लियर कर दीजिएगा, जंक फूड क्या है, क्योंकि जंक फूड के चर्चे बार बार होते हैं लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं जंक फूड क्या है। जंक फूड को आम भाषा में फास्ट फूड कह सकते हैं, जो फास्ट फूड स्टॉल होते हैं, जैसे चाउमीन हो गया, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये सब जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनमें शरीर के लिए उपयोगी कुछ होता नहीं है। इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि फैट बनाने के काम आता है और आगे चल के ये डायबिटीज़ कराता है। अच्छा, ब्लड शुगर समाप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? समाप्त हो सकता है क्या? ब्लड शुगर समाप्त नहीं हो सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसको कंट्रोल करने के लिए आप
रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करें, अपने डॉक्टर से नियमित तरह से मिलें, ब्लड चेकअप कराएं और अपनी दवाइयां जो हैं उन्हें लें, उनको छोड़ छोड़ के ना लें, और इस तरह से उसको धीरे धीरे कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये चीज़ देखा जा रहा है कि यंग जनरेशन में डायबिटीज़ काफ़ी जोर पकड़ रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? यंग जनरेशन में डायबिटीज़ जोर पकड़ने का कारण है जो हमारे खान पान और दिनचर्या है, हमारा रहन सहन का तरीका है। ये दो मेजर कारण है यंग जनरेशन में डायबिटीज़ जोर पकड़ने का। इनफैक्ट इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अभी इंडिया को क्या कहा जाता है? डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एक बार फिर से सुन लीजिए, इंडिया को क्या कहा जाता है? डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का राजधानी है डायबिटीज़ के मामले में। हमारे देश में अभी 8 करोड़ डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो 2030 तक 10 करोड़ का अनुमान है और 2045 तक 13.5 करोड़ होने का अनुमान है। पिछले 25 साल में यह भी देखा गया है कि डायबिटीज़ के पेशेंट 16% से बढ़ गए हैं। तो इनमें ज़्यादा अब यंग पेशेंट्स हो रहे हैं, जो 30 साल 35 साल के पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा डायबिटीज़ होता जा रहा है। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है और इसके लिए सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। और डायबिटीज़ के विषय में कहा जाता है कि पैनक्रियाज में सबसे पहले गड़बड़ी होती है, इसके पीछे क्या कारण है? डायबिटीज़ जो होती है वो इंसुलिन की कमी या इंसुलिन का अच्छी तरह से काम करने के कारण नहीं होता है। यह इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियाज से निकलता है, जो हमारे पेट में स्थित है। तो जब पैनक्रियाज में कुछ भी गड़बड़ी आती है या इंसुलिन पैनक्रियाज इंसुलिन को नहीं निकाल पाता है या इंसुलिन कम हो जाता है या इंसुलिन कुछ कारण से कार्य नहीं कर पाता है अच्छे तरह से, तो डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा होता है। अच्छा, ब्लड शुगर हो जाए तो वह क्या खाए और क्या ना खाए? आपने तो जंक फूड के बारे में बताया, जो मान लीजिए बुज़ुर्ग हैं वो क्या खाएं, वो क्या ना खाएं? शुगर पेशेंट्स आमतौर पर जो कहा जाता है कि चावल का कम इस्तेमाल करना है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनका कम इस्तेमाल करना है, उसमें चावल आ गए, आलू आ गया और ज़मीन के नीचे जो भी उगता है उसे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा खाने में मीठा का प्रयोग, किसी भी तरह के मीठे का प्रयोग उसको कम करना चाहिए। और इसके अलावा जो हम फल फ्रूट्स में मीठा फल को छोड़ के हम सेब खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, नारंगी खा सकते हैं और कीवी खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में अंजीर खा सकते हैं, क्योंकि अंजीर से शुगर उतना नहीं बढ़ता है और उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे खून बनने में मदद मिलता है और पेट भी साफ रहता है। खजूर की जगह अंजीर का सेवन करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ये क्वेश्चन बिहार के लोगों के लिए नहीं है, बिहार से बाहर के लोगों के लिए है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। कई बार ये देखा जाता है शराबियों को भी शुगर की बीमारी होती है, तो शराबियों को दिक्कत होने लगती है बाद में, तो शराबी लोग शुगर से कैसे बचें? उसके लिए निश्चित है कि आपको शराब का सेवन बंद करना होगा। शराब के सेवन से खून में शरीर में चर्बी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण आगे शुगर होने की बहुत ज़्यादा आशंका होती है। तो इसलिए शराबियों को शराब बंद करना होगा। अगर वो लगातार पीते रहे शराब तो क्या होगा? तो उससे पैनक्रियाज पर असर पड़ता है, जिसके कारण पैनक्रियाज डैमेज होता है और आगे चल के इंसुलिन निकलने की संभावना धीरे धीरे कम होती जाती है। दूसरी तरफ शराब के कारण ओबेसिटी होता है, मोटापा होता है, जो एक तरह का इंसुलिन रेजिस्टेंस का काम करता है, जिसे कहते हैं कि इंसुलिन काम नहीं कर पाता है अपना शरीर में चर्बी की मात्रा के कारण। तो ये दोनों चीज़ मिलके उनको आगे चल के डायबिटीज़ कराने का काम करती है। अच्छा, सामान्य लोगों के शरीर में कितना शुगर होना चाहिए? सामान्य लोगों के शरीर में जो डायबिटीज़ का क्राइटेरिया है उसमें खाली पेट में 110 से नीचे और खाने के बाद 160 से नीचे रहना चाहिए। इसके ऊपर अगर जाता है तो हम उसे प्री डायबिटीज़ बोलते हैं और अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है तो उसे डायबिटीज़ बोलते हैं। अच्छा, कई बार देखा जाता है बुज़ुर्गों में शुगर डाउन रहता है, तो जब डाउन हो जाए शुगर तो क्या करना चाहिए? शुगर डाउन प्रायतः डायबिटिक पेशेंट्स में ही देखा जाता है। अगर शुगर 70 से नीचे चला जाता है तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया शुगर पेशेंट्स में ही ज़्यादा होता है, तो उसके लक्षण होते हैं पसीना आना, आवाज़ लड़खड़ाना, हाथ पांव थरथराना और चक्कर आना, आँखों के सामने धुंधलापन या कालापन छाना।
तो इसे हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। अगर ये ऐसा होता है तो तुरंत चीनी का घोल या ग्लूकोज पानी का घोल पेशेंट को दें, और डायबिटीज़ पेशेंट को हिदायत दी जाती है कि वो हमेशा अपने पास टॉफ़ी रखें या कुछ मीठा चीज़ रखें, जिसके कारण उन्हें कभी भी ऐसा लक्षण हो तो तुरंत उसका सेवन करें। तो अगर मान लीजिए दिक्कत हो गई, शुगर डाउन हो गया, तो टॉफ़ी नहीं हो तो क्या करें? जैसे तो ग्लूकोज है घर पर कोई ना ग्लूकोज हो। पानी ले लिए या चीनी पानी ले लिए, कुछ मीठा है घर में तो उसे खा लिए, तो उससे वो ठीक हो जाता अगर किसी इमीडिएट बुज़ुर्ग को शुगर बढ़ गया तो वो क्या करें? है। शुगर बढ़ जाने से उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, उसके लिए उन्हें दवाइयाँ चलेंगी जिनके कारण जिनसे उनका शुगर धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। डॉक्टर डॉक्टर से मिलना बिल्कुल होगा। हमारा सामान्य सवाल रहता है कि जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं उनको कौन सी दवाई आप प्रिस्क्राइब करेंगे जो कम कीमत पर लोगों को मिल जाए? मेटफॉर्मिन एक दवाई है जो काफ़ी लंबे असर से यूज़ की जा रही है, वो काफ़ी कम कीमत पर मिल जाती है, और उनके साथ एक दो कॉम्बिनेशंस और हैं जो काफ़ी कम कीमत पर मिल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे डायबिटीज़ पुराना होता जाता है, हम शुगर कंट्रोल करने की क्षमता कम हो जाती है शरीर की, तो हमें दवाइयों की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। लेकिन अगर शुरुआत से ही नियमित ढंग से साधारण दवाइयों का यूज़ किया जाए तो डायबिटीज़ लंबे समय तक कंट्रोल रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोरोना आने के बाद डायबिटीज़ के पेशेंट्स में क्या देखा गया? क्या पेशेंट बढ़े या फिर घट गए? कोरोना आने के बाद डायबिटीज़ पेशेंट्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जो पुराने पेशेंट्स थे वो तो हैं ही, लेकिन यंग पेशेंट्स जो 25 ईयर्स, 25 साल, 26 साल, 30 साल के पेशेंट्स हैं जिन्हें डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए था, उनको भी डायबिटीज़ हो गया है। तो इसमें कोरोना का निश्चित ही कुछ रोल है, जिसके कारण उनमें डायबिटीज़ जल्दी डिटेक्ट किया जा रहा है। आखिर 20 से 25 साल के पीछे होने का कारण क्या है? इसका ये कारण है कि उन्हें कहीं ना कहीं कोरोना हुआ होगा कभी ना कभी, जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होगी, और वो सब पेशेंट ऑलरेडी रिस्क पर होंगे कि उन्हें 40 साल या 45 साल पर डायबिटीज़ होना था, लेकिन उसके कारण अभी उनको पहले हो गया है वो चीज़। तो ये काफ़ी प्रैक्टिस में देखी जा रही है, 30 साल, 25 साल के पेशेंट्स, यंग पेशेंट्स, उनको ज़्यादा डायबिटीज़ हो रहा है। डिटेल में पूछने पर पता चल रहा है कि उनको खुद ध्यान नहीं रहता कि उनको कोरोना हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन उनकी फैमिली हिस्ट्री, माता पिता या घर में कोई सगे संबंधी, उनको डायबिटीज़ है, तो इसलिए उनका रिस्क रहता है, जो रिस्क अभी खुल के सामने आ रहा है। अच्छा, डायबिटीज़ के बारे में कहा जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, ये कितनी सच्चाई है? पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें जेनेटिक्स का डेफिनेटली रोल है। अगर माता पिता में एक पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो 15% चांस होता है डायबिटीज़ होने का, अगर दोनों को है तो 30 से 35% चांस होता है बच्चे को डायबिटीज़ होने का। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस एक यही कारण है और हम इससे हताश हो जाएं। हम अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करके, खान पान को कंट्रोल करके, नशे नशे में शराब या सिगरेट इसका सेवन छोड़ के, अगर इन तीनों चीज़ों का ध्यान दिया जाए तो हम डेफिनेटली डायबिटीज़ को रोक सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लगातार ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं, तो किन बीमारियों से ग्रसित लोग आपको ग्रामीण इलाकों में मिल रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो डायबिटीज़ के ही पेशेंट्स मिलते हैं, डायबिटीज़, दूसरे में ब्लड प्रेशर, और तीसरे में जोड़ से संबंधित बीमारियाँ। डायबिटीज़ के ज़्यादा लोग होते हैं जिन्हें डायबिटीज़ के बारे में कुछ चर्चा नहीं होती है। मैंने एक दो पेशेंट्स देखा है जिन्हें इंसुलिन भी दिया गया हो, लेकिन वो लोग इंसुलिन भी ठीक ढंग से नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनमें जागरूकता नहीं है कि इंसुलिन कैसे लेना चाहिए, किस समय लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए। कितनी पेशेंट्स को जितनी बार इंसुलिन दिया गया है तो वो उससे उलट एक बार लेते हैं, या कोई एक बार भी नहीं लेते हैं, या खुद से डोज ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो इसमें नियमित है कि हम एक डिसिप्लिन तरह से इंसुलिन लें या दवाइयों का सेवन करें, और नियमित रूप से अपने डॉक्टर से मिलते रहें। नियमित रूप से मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे डॉक्टर अभिषेक, जिन्होंने डायबिटीज़ पर अपनी बातें रखी। बहरहाल, आपको हमारा यह इंटरव्यू कैसा लगा आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारे यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।